हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची डायरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी एंड आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो बस मैं जो है बना रही हूँ गणेश जी के लिए प्रसाद, जो ट्रेडिशनल होता है ना महाराष्ट्र का, उकडीचे करके कुछ मतलब ऐसे ही बोलते हैं, जो चावल का आटा और उसको जो है भाप में रख के पकाते। तो बस मैंने यहाँ पे ये ले लिया है कोकोनट और इसको अब करेंगे ग्रेट और फिर जो है बनाते हैं इसकी जो है फिलिंग। तो बस यहाँ पे ये ले लिया था मैंने ये कच्चा नारियल और ये ले लो आप जो है एक कद्दूकस। और यहाँ पे आप कोशिश करो कि जिसके जो है होल सबसे छोटे हों आप जो है उससे कसो, नहीं तो फिर एकदम से बड़े बड़े जो है इसके जो लच्छे बनेंगे वो आ जाएंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर लिया नारियल को कद्दूकस और बस ज़्यादा नहीं है, ये कम से कम आधा नारियल के करीब आप ले लो तो आपके जो इतने मोदक बन के 7 से 8 मोदक बन जाएंगे इस तरीके से। और कुछ लोग मिक्सी वगैरह में पीस लेते हैं, बट मैंने जो है पीसा नहीं था, मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि फिर उसका जो है पूरा वो दूध दूध हो जाए और फिर अच्छे से बने नहीं। और यहाँ पर बस मैंने ले लिया था ये फ्राई पैन और अगर आप चाहो तो यहाँ पर पहले ही आप 2 चम्मच घी डाल दो और फिर बाद में ये नारियल डालो। तो जब ये मैंने डाला तो नीचे क्योंकि मेरी एकदम से लो फ्लेम थी तो चिपका नहीं, बट हाँ जो है ये चिपकने लगता है। तो आप कोशिश करो कि पहले इसमें 2 चम्मच घी डाल दो और ये नारियल डाल दो और लो को एकदम जो है फ्लेम को एकदम से लो रखो, नहीं तो ये तुरंत जल जाएगा और 10 मिनट में ये अच्छा सा मतलब फ्राई हो जाएगा। और इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में बस मैंने यहाँ पे डाला था 2 चम्मच के करीब ये जैगरी पाउडर और ये थोड़ा सा ये इलायची का पाउडर, 2-3 इलायची आप जो है एकदम से क्रश करके डाल दो तो अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और बस यहाँ पे मैंने जो है हार्डली 10 से 12 मिनट ये जो है अच्छे से फ्राई किया है। तो ये हमारा फिलिंग तो बन के तैयार हो गई और इसके बाद में अब तैयार करना है जो इसकी ऊपर की कोटिंग होती है कवरिंग चावल के आटे की। तो बस उसी फ्राई पैन में यहाँ पे मैंने डाल लिया है 1 चम्मच के करीब घी और 1 कप के करीब ये डाल दिया था पानी। और ये जो बोल देख रहे हो ना, एक बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरी थी, ठीक ठीक थी, इतना ये ले लिया मैंने चावल का आटा। और इसको आप जो है चला लो अच्छे से और बस जैसे ये हो जाए मिक्स और जो है फ्लेम को कर दो ऑफ, या तो आप ऐसे ही मतलब इसी बर्तन में आप छोड़ दो एक प्लेट ढक के 10 मिनट में, तो ये चावल का आटा अच्छे से फूल जाएगा। नहीं तो फिर एक लोई बना लो उसके बाद इस तरीके से ढक दो, कम से कम 10 मिनट में ये अच्छे से फिर फूल जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, उसी टाइम पर जब चावल इसके चावल के आटे को और पानी में मिक्स करते हैं ना तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दो। तो उस टाइम पर मैंने डाला नहीं था नमक, तो ये मैंने जो है बाद में डाल दिया। और हथेली की हेल्प से आप अच्छे से इसको मसल के गूंथ लो क्योंकि इसकी जो है कवरिंग है वो फटे नहीं और अच्छी बन जाए। और बस फिर इसके बाद में था ये मेरे पास मोदक का ये मोल्ड, तो यहाँ पे मैं इसके छोटी सी ली है लोई और इसको जो है चारों तरफ से इस तरीके से पैक करना है और फिर बीच में ये डाल देनी है फिलिंग। तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएंगे मोदक। और कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी लोई जैसे छोटी छोटी पूड़ी होती हैं आप वो बना लो और एजेज में वो थोड़े से चारों तरफ से उनको जो है प्रेस कर दो और फिर इनको जो है जैसे भरी जाती है ना कचौड़ी वगैरह उस तरीके से बनाओ तो भी बन जाता है, बट मेरे पास ये मोदक का ये मोल्ड था तो मैंने इससे बना लिया, तो इससे भी बड़े आराम से बन जाएंगे। तो बस ये हमारे बनके तैयार हो गए मोदक। और इसकी बस फिलिंग में कोई कोई मेवे वगैरह भी डालता है, तो अगर जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का आप वो भी डाल सकते हो। और मैंने बस यहाँ पे सिर्फ नारियल मतलब इसमें लिया है और जैगरी पाउडर और ये इसकी इलायची का पाउडर, बस 3 चीज़ें जो है काफ़ी हैं। और फिर इसके बाद आप जो है इसी तरीके से बना लो तो आपके जो है आराम से बन जाएंगे। तो ये जो मोदक होते हैं ये महाराष्ट्र का मतलब ये इनका जो गणपति बप्पा को आप तो बेसन का भी आप बना सकते हो या आप आटे का भी कलार के अच्छा सा लड्डू टाइप का शेप दे सकते हो, ये चलता है। और ये तो ज़्यादा करके महाराष्ट्र का ये इसकी ट्रेडिशनल मोदक यही है जो कि बनते हैं गणपति बप्पा को। तो बस ये मैंने जो है ट्राई किया है और पिछले साल मैंने बनाए थे मावा वाले, मावा और चीनी और उसमें थोड़ी सी ये जो है इलायची पाउडर डाल के, तो वो वाले मैंने बनाए थे, बट इस बार के मैंने बनाए हैं महाराष्ट्र का ये जो है ट्रेडिशनल मोदक जो बनते आते हैं शुरू से। और ये हमारे अभी हो गए हैं बनके तैयार। और फिर इसके बाद मैंने जो है इनको जो इसको भाप में पकाया तो वो पकाया जो इडली स्टैंड अगर आपके पास हो, तो मेरे पास तो और कुछ था नहीं तो मेरे पास ये था। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 कप के करीब पानी और ये रख दिए हैं मोदक। और बस इनको जो है बहुत हाई फ्लेम में नहीं पकाना, नहीं तो फिर ये जल ना जाए और नीचे हो सकता है चिपक जाएँ। तो ये 10 से 15 मिनट में हमारे हो जाएंगे बनके एकदम से तैयार।
तो बस अभी हो चुके हैं बढ़िया ये मोदक बन के तैयार। और इसको अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास केसर हो ना, तो पानी में भिगो के आप जो है ऊपर ऊपर इस तरीके से लगा दो। और मेरे पास ये जो है कलर था, तो मैंने जो है हल्का हल्का से ये लगा दिया, तो इससे ये देखने में अच्छे लग रहे हैं थोड़ा सा। तो बस ये हमारे फाइनली बन के तैयार हो गए हैं मोदक। तो अगर आपको भी बनाना हो ना, तो आप भी आप जो है इसी तरीके से बनाओ। तो और ये जो है रेसिपी है बड़ी मतलब इजी है, कुछ भी आपको इसमें झंझट वगैरह कुछ नहीं करना, ना तो फिलिंग में ही ज़्यादा कुछ करना है। और बस फिर इसके बाद अभी मुझे करनी है पूजा, तो अभी जो है कर लेते हैं गणपति जी की पूजा, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा वगैरह हो गई है, और उसके बाद में ये मैं बना रही हूँ ये प्लेन डोसा। तो ये जो है प्लेन डोसा है, और इसके ऊपर जो है मैं लगा दूँगी बटर, तो बन जाएंगे ये बटर डोसा। और इसके साथ में नारियल और जो है चना वाली चटनी, और फिर जो है जाते हैं नीचे। और बस फिर इसके बाद में हम लोग चले गए थे नीचे। तो ये हैं जो है गणपति जी सोसाइटी में, जो अभी इनकी अभी जो है यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो गई है। और फिर उसके बाद शाम टाइम गए थे साक्षी के यहाँ। तो बस यहाँ पे अभी बन रहे हैं, छोला बन चुका है, और ये रहे भटूरे। तो छोला भटूरा यहाँ पे जो है हम लोगों का ये था डिनर। तो बस आप लोगों का ये पूरा दिन कैसे गया, आप लोग का जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।